रामगढ़ में 13 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि जब मामले की शिकायत करने के लिए परिजन पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें वहां से गाली देकर धमकी देकर भगा दिया गया। इसके बाद पीड़ित लड़की और उसके परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई, तब कहीं जाकर आरोपी सलीम खान और लालू खान पर मामला दर्ज किया गया। जो आवेदन में आरोप लगाए पुलिस ने अभद्रता की और भगा दिया, कार्रवाई नहीं की थी, सर इस मामले में क्या कार्रवाई? इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है और सारे जो जैसा कि परिजनों ने बताया है उसमें सारे फुटेज भी देखे जा रहे हैं, यदि किसी की संलिप्तता है, किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इधर टीकमगढ़ गैंगरेप पर जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। टीकमगढ़ में आरोपी सलीम और लालू खान पर सब चुप हैं। छतरपुर में थाने में घुसकर हमला करने वालों पर नहीं बोला जाता। सेलेक्टिव मुद्दों पर आवाज उठाते हैं कांग्रेस के नेता। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की नहीं निकलती आवाज, ये बड़ा बयान वीडी शर्मा का। अगर टीकमगढ़ के अंदर वहां पर आरोपी सलीम खां और लालू खां, उनके द्वारा अगर आदिवासी पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। छतरपुर की घटना के अंदर मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, थाने के अंदर बिना किसी कारण के योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण होता है, पुलिस पर प्रहार होता है, आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? इतना बड़ा मामला होता है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे एससी एसटी और ओबीसी समाज की बच्चियां, उनके साथ में इस तरह के दुष्कर्म आए दिन हो रहे हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? अगर उन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता है तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो छतरपुर में के मामले पर नहीं बोलते हैं, टीकमगढ़ के मामले पर नहीं बोलते हैं और सेलेक्टिव मुद्दों पर बात करते हैं, ये वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। और टीकमगढ़ में जिस तरह का मामला आया, टीकमगढ़ में गैंगरेप कांड पर राजनीति गर्मा गई है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। आरोपी सलीम और लालू खान पर चुप हैं। क्या सिर्फ सेलेक्टिव मुद्दों पर बोला जाएगा? छतरपुर के मुद्दे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, इनकी आवाज नहीं निकलती, ये एक बड़ी बात। इन सबके बीच जो टीकमगढ़ गैंगरेप कांड का मामला है जिसे लेकर यह पूरी सियासत गर्म है, ये एक बड़ा मामला कि जब परिजन शिकायत करने के लिए पहुंचे तो थाने से उन्हें भगा दिया गया। इसके बाद वो एसपी के एसपी ऑफिस पहुंचे, तब कहीं जाकर उनकी शिकायत सुनी गई और इसी को लेकर ये पूरी बयानबाजी चल रही है। तो किस तरह से अब बयानों के सिलसिले चल रहे हैं, राजीव आपको नजर आ रहे होंगे टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, टीकमगढ़ का घटनाक्रम है भोपाल, उसमें गर्म हुआ पड़ा है। सबसे पहले राजीव, बहुत शॉर्ट में ये घटनाक्रम कब का है और ये बात तय है कि पहली गलती तो हुई है जबकि एक पीड़िता को थाने से भगा दिया गया? राजीव, देखिए ये मामला 14 तारीख का है और उस वक्त की घटना है जब उसका पिता दिल्ली में मजदूरी के लिए गया था। जैसे ही परिवार वालों ने मामले की जानकारी दी तो वो तत्काल अपने घर पहुंचा, जिसके बाद वो बीमार पड़ गया तो 22 तारीख को वो थाने में रिपोर्ट करने के लिए गया था, जिसके बाद उसको साधारण कागज पे सिर्फ आवेदन ले लिया गया और वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद वो 25 तारीख को जब जैसे ही एफआईआर की कॉपी लेने के लिए थाने पहुंचा तो उसके साथ में, जैसा कि उसका आरोप है, तो उसके साथ अभद्रता की गई और गाली गलौज भी किया गया। और इसके बाद जब ये मामला क्लियर हो गया, शैलेंद्र मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जब एक गैंगरेप की एफआईआर में 15 दिन लग जाए, तकरीबन 15 दिन लग जाए, तो मेडिकल एविडेंस तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, इससे ज्यादा भयावह और बुरा कुछ नहीं हो सकता। शैलेंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर ही लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, कटनी का मामला हो, जिस तरीके से खुद थाना प्रभारी और आरक्षकों के द्वारा मारपीट की गई, या फिर जो टीकमगढ़ का जो मामला, जिस तरीके से राजीव बता रहे थे कि काफी लंबे समय तक पीड़ित परिवार FIR के लिए घूमता रहा लेकिन उसकी FIR नहीं हुई बल्कि उल्टी में उसको गालियां दी गई, इस तरह का आरोप जो है वो परिजन लगा रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर लगातार मुखर नजर आ रही है। और उसी के चलते अब प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो कटनी जाकर FIR कराने पहुंच जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन जहां आरोपी मुस्लिम होते हैं उन पर आखिर कांग्रेस चुप्पी क्यों साध लेती है, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। वो कह रहे हैं कि जहां तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम जो है वो लगातार कांग्रेस कर रही है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लगातार वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। जिस तरीके से कटनी में खुद जीतू पटवारी वहां पहुंचे थे और पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात, लेकिन क्या शैलेंद्र वह थाने कांग्रेस के लिए सिर्फ इतना बोलकर कि आप सेलेक्टिव मुद्दों पर बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बीजेपी बच सकती है? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल, देखो जिम्मेदारी से इसलिए भी नहीं बच सकती कि आप सत्ता पक्ष में हो, सत्ता पक्ष में होने के नाते यदि कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय आप लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के घटनाक्रम सामने आएंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या बड़े नेता है वो इस तरह के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। हालांकि छतरपुर घटनाक्रम में भी जिस तरीके से हमने देखा कि हाजी का जब नाम सामने आया था उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा था कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से घर तोड़ा गया वो अवैधानिक तौर पर था, क्योंकि एक निर्णय जो है वो कोर्ट का होना चाहिए, कोर्ट के निर्णय के बाद अगर घर टूटता है तो कानून संगत है, नहीं तो ये गलत तरीका है। तानाशाही का आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। ठीक ठीक, लेकिन स्थितियां वही कि अगर 15 दिन बाद गैंगरेप की FIR लिखी जाएगी तो सुशासन आएगा कहां से? बहुत धन्यवाद।